बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हरीम शाह ने एफआईए की कार्रवाई के खिलाफ वकील के ज़रिए सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था। हरीम शाह ने दरख्वास्त में मौकफ अख्तियार किया कि गैर मुल्की करेंसी के हवाले से मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, करेंसी के हवाले से वजाहती वीडियो जारी कर चुकी हूँ। और वकील ने मौकफ अख्तियार किया कि इतला के मुताबिक एफआईए ने हरीम शाह के बैंक अकाउंट्स बंद करने के लिए बैंकों से रजू किया है और उनका कहना है कि वो एफआईए से इंक्वायरी में तावन करना चाहती हैं और बरतानिया से वापसी पर गिरफ्तारी का खदशा है, तो लिहाजा एफआईए को कार्रवाई से रोका जाए। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में एफआईए को हरीम शाह के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए डिप्टी जनरल और एफआईए को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर एफआईए के तफ्तीशी अफसर को पेश होने का भी हुक्म दे दिया। तो दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो इसी के साथ आज की ये शॉर्ट सी वीडियो करते हैं ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।